हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत साधवानी एंड यू आर वॉचिंग फिटो। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के बारे में। यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मसल बिल्ड के अंदर। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे फैट लॉस हो, चाहे आपका मसल बिल्ड कोई भी गोल हो, अगर आपको इस डिटेल के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ये समझ लो आप पूरे दिन जो भी प्रोटीन ले रहे हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल वेस्ट है। वो आपके किसी काम का नहीं है। आप अपने रुपये भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी वेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटीन आप ले रहे हैं उसको भी वेस्ट ही कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैंने वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के बारे में। हमारी बॉडी 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है, बट यह डिपेंड करता है आपकी मसल मैच्योरिटी पर और आपकी एक्टिविटी लेवल पर। हर किसी की बॉडी 50 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अगर हम बात करते हैं 24 से 25 ग्राम प्रोटीन की, तो ये नॉर्मल है। किसी की भी बॉडी हो, इतना मात्रा में प्रोटीन वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन अगर हम 50 ग्राम की बात करते हैं, तो दोस्तों हर किसी का लेवल इतना नहीं होता कि 50 ग्राम तक प्रोटीन एक ही मील में आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। भी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी बॉडी जो है वो 50 ग्राम तक प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट है या बिगनर है, इस लेवल तक आपका जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी मसल्स इतनी मैच्योर नहीं है कि वो एक ही मील के अंदर 50 ग्राम तक प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सके। अगर कोई इंटरमीडिएट है या बिगनर है और वो 50 ग्राम तक प्रोटीन ले रहा है, तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी वो प्रोटीन अगर ले रहा है तो मतलब वो अपने प्रोटीन को वेस्ट कर रहा है। तो अगर आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो, तो 25 ग्राम तक प्रोटीन आपकी पर मील में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप उतना ही लें, आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका वर्कआउट बढ़ेगा, आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, तो आप अपनी डाइट के अंदर उस प्रोटीन को बढ़ाते जाए। जैसे अगर आप पर मील में 25 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, आपकी मसल्स मैच्योर हो रही है, तो उसको फिर आप 30-35 देन 40 उस हिसाब से बढ़ाएं। आप शुरुआत में ही इतना प्रोटीन पर मील में बिल्कुल ना लें। अगर आप ऐसा ले रहे हो तो रुपए और प्रोटीन आप दोनों वेस्ट कर रहे हो। आपकी बॉडी उस प्रोटीन को फेंक देती है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है। इस टॉपिक को सुनने के बाद हो सकता है आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आए कि यार, अगर मेरा गोल जो ऐसा है जिसके अंदर मुझे 200 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको कैसे पूरा करूं। तो दोस्तों, वो 200 ग्राम जो प्रोटीन है, आप उसकी 8 मील बना लीजिए 25-25 ग्राम की। आप उसको इस तरीके से लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपकी बॉडी उस प्रोटीन को प्रॉपर एब्जॉर्ब भी कर पाएगी, आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर आप बिना मतलब 40 ग्राम 50 ग्राम एक ही मील में प्रोटीन लेंगे और आप इंटरमीडिएट लेवल पर है, तो दोस्तों वो बिल्कुल ही गलत है, वो आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। तो आपका अगर गोल 200 ग्राम का है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 200 ग्राम प्रोटीन अगर आपको पूरे दिन में लेना है, तो आप 8 में लीजिए 25-25 ग्राम की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वो टारगेट भी पूरा हो जाएगा जो आपका 200 ग्राम प्रोटीन का गोल है, और जो आप प्रोटीन ले रहे हैं उसे आप एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है या कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।